हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने हीट वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी कराया था। नाउ अभी हम डिफरेंट प्रोसेस लेंगे एंड उनमें हीट वर्क डन वगैरह क्या क्या होगा वो देखेंगे। फर्स्ट फ्लो भी करवाया था तो स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो क्यू डब्ल्यू एंड डेल्टा यू इन डिफरेंट प्रोसेस। अलग प्रोसेस में क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू वगैरह क्या होगा वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हम यहाँ पर जो लेंगे वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस हम लेने वाले हैं। ठीक है, लोकेश अभी स्टार्ट ही किया है, कुछ कराया नहीं आज तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो क्या होता है, तो इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस जो है उसमें क्या रहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। ओके, वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, तो देखो V कांस्टेंट अगर है तो T बाय T जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P बाय T क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब T1 बाय T1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 बाय। So, ये इसका प्रोसेस इक्वेशन होगा। इस प्रोसेस का ये क्या है, दिस इज प्रोसेस इक्वेशन। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली पी बाय टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी गैसेस स्टेट में भी देख चुके हैं। नाउ वी इज कांस्टेंट तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी जीरो होगा कि नहीं होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। अगर डेल्टा भी जीरो है हम बोल सकते हैं वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो डब्ल्यू क्या आएगा बताओ, डब्ल्यू जीरो आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है जिसमें कि कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसमें वर्क डन जीरो होता है। ओके, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा क्या लोगे, जीरो लोगे। आइसोमेरिज्म यहाँ थोड़ी आएगा यार, आइसोमेरिज्म
बाद में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है तो मेरी। तो वर्कडन जीरो है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम चेंज की वजह से ही वर्कडन हम मिलते लेते थे, लास्ट लेक्चर में बताया हमने वर्कडन, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं है तो वर्कडन जीरो। हो गया सबका? ठीक है, नाउ हाँ, थर्मो फर्स्ट लॉ ही आएगा। सो बुकलेट में आज हम होमवर्क देंगे, उसका पार्ट देख लेना, ठीक है। मतलब फर्स्ट लॉ से रिलेटेड वाला पार्ट ही करना है तुम्हें, पूरा नहीं करना बुकलेट। तो अब देखो, फर्स्ट लॉ क्या है? डेल्टा यूज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है ना। यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं यार, डब्ल्यू तो हो गया जीरो, तो डेल्टा यू क्या आया? डेल्टा यू इस प्रोसेस के लिए क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। नाउ व्हाट इज क्यू? लास्ट लेक्चर में क्यू हमने बताया था, याद है? इट इज एन सी प्रोसेस डेल्टा टी, याद है कि नहीं है? बताया था ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्यू को लिखेंगे एन सी वी डेल्टा टी, एंड हियर सी वी इज मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सीवी जो है वो क्या हो गया? मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। सो इस प्रोसेस के लिए क्यू क्या हो जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी, गैसेज के लिए ही है। तो एन सी वी डेल्टा टी इज क्यू। नाउ व्हाट इज डेल्टा यू? सो डेल्टा यू क्या आएगा? इट इज इक्वल टू क्यू, तो ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगा? एन सी वी डेल्टा, ठीक है। अब देखो, लेकिन डेल्टा यू जो है वो तो क्या है? इंटरनल एनर्जी वगैरह क्या था? स्टेट फंक्शन था ना। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने इस प्रोसेस के लिए ये निकाल लिया, एन सी वी डेल्टा टी। नाउ हर प्रोसेस के लिए हम ये सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ या प्रोसेस पे डिपेंड करेगा ही नहीं, ये जस्ट किस पे डिपेंड करेगा? स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चाहे किसी भी प्रोसेस को तुम यूज करो, हमेशा डेल्टा यू का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा यू का फॉर्मूला हम अगर एक प्रोसेस के लिए आ गया तो हर प्रोसेस के लिए यही लगा सकते हैं, क्योंकि इट इज स्टेट फंक्शन ना कि पाथ फंक्शन। सो डेल्टा यू जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू हमने निकाला, एन सी वी डेल्टा टी। नाउ हर प्रोसेस के लिए तुम डेल्टा यू का फॉर्मूला ये ही यूज करोगे, एन सी वी डेल्टा टी। लिखो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। सो ये था आइसोकोरिक प्रोसेस। फर्स्ट वाला प्रोसेस जो हमने लिया वो कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। एग्जांपल क्या है यार? एग्जांपल इसका कुछ ऐसा होता नहीं है, एग्जांपल क्या ही नहीं, मतलब हमारे पास क्या है? जैसे रूम है, ठीक है, फिक्स है हमारे पास, मतलब रिजिड बाउंड्री होनी चाहिए। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या होना चाहिए? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा? जब रिजिड बाउंड्री हो। तो पिस्टन में तो क्या है? वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो बाउंड्री लेंगे, मतलब एक बॉक्स वगैरह है उसमें कुछ गैस है तो वो रिजिड बाउंड्री वाला होगा। ओके, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस।
तो फर्स्ट हमने देखा आइसोकोरिक, नाउ नेक्स्ट है आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस जो है इसमें याद रखना कांस्टेंट प्रेशर होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में जो गैस है उसका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर पी कांस्टेंट है आइडियल गैस वगैरह के थ्रू हम क्या देख सकते हैं कि V by T कांस्टेंट होगा, T क्या रहेगा कांस्टेंट होगा। एंड अगर V by T कांस्टेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि V1 by T1 is equal to क्या होगा V2 by T2 होगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा इस प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर होता है और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या था, आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, नाउ व्हाट द माइनस ऑफ पी गैस डीवी, या यही था डब माइनस ऑफ पी गैस डीवी। तो लैग हुआ क्या, एक मिनट वेट कर ले थोड़ा। अभी क्लियर है क्या, ओके। सो W क्या है, माइनस पी गैस dV है। तो हमें पता है यार पी गैस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना, प्रेशर ऑफ गैस जो है वो क्या है इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dV, वॉल्यूम V1 से V2 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ पी गैस एंड dV का इंटीग्रेशन हो गया V, तो माइनस ऑफ पी गैस V2 माइनस V1, या माइनस ऑफ पी गैस इंटू डेल्टा। तो इस प्रोसेस के लिए W क्या हो गया, माइनस ऑफ पी गैस इंटू डेल्टा V। गैस का प्रेशर इंटू डेल्टा V जो है वो हो जाएगा W या V। हेलो, अभी क्लियर है क्या, ओके ठीक है। सो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं। तो जैसा हमने बताया इस प्रोसेस में क्या, गैस का प्रेशर है तो कांस्टेंट है, तो इसलिए इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको बाहर ले लेंगे। तो जस्ट किसका इंटीग्रेशन होगा, dV का, और dV का इंटीग्रेशन क्या है V, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो V2 माइनस V1 आ गया, ठीक है। एंड V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V। तो W जो है इस प्रोसेस के लिए क्या आ जाएगा, माइनस P गैस डेल्टा V आ जाएगा। ओके, आगे चले अभी। Now, ये आया W, now what is delta U, तो delta U तो जैसा हमने बताया already कि क्या कौन सा formula लगाएंगे, NCV delta T लगाएंगे, ठीक है, delta U के लिए वही formula use किया जाएगा। And what about Q, Q क्या है, Q क्या बताया था मैंने, Q बताया था NC process delta T, बताया था नहीं बताया था,
क्यों क्या होता है, एन सी प्रोसेस डेल्टा टी होता है ना, नाउ इसको मैं भी लिख दूंगा, क्या हो गया एन सी पी डेल्टा टी एंड हियर सी पी इज, हियर सी पी इज मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, सीपी क्या हो गया मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओके सो इस प्रोसेस के लिए सीपी जो है क्या आ गया, मतलब क्यों क्या आ गया एनसीपी डेल्टा टी और सीपी यहां पर क्या है मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीपी था मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड सीपी है मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सिद्धार्थ डेल्टा यू जो है वो स्टेट फंक्शन है, तो एक प्रोसेस के लिए अगर हमने डेल्टा यू का फॉर्मूला लगा दिया तो दूसरे प्रोसेस में भी उसी को यूज कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज स्टेट फंक्शन, तो लास्ट प्रोसेस के लिए डेल्टा यू निकाल चुके हैं वही डेल्टा यू इस प्रोसेस के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट प्रोसेस क्या बोल रहे हो, फर्स्ट प्रोसेस के लिए ऑब्वियसली वो डेल्टा यू जो है वो क्यू के इक्वल आया था, बट इस प्रोसेस में डेल्टा यू क्यू के इक्वल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू जीरो नहीं है, लास्ट वाले प्रोसेस में डब्ल्यू जीरो हो रहा था, दैट्स व्हाई डेल्टा यू क्यू के इक्वल आ गया था, नाउ सीपी और सीवी जो दोनों हमने यहां पर देखे हैं तो दोनों के बीच में रिलेशन होगा, तो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है, यस डेल्टा यू स्टेट फंक्शन था, हाँ नाउ रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी क्या है, तो देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि नहीं है, Now, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या आया, इट वॉज एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा यू यही है, अच्छा क्यू क्या आया इस प्रोसेस के लिए, ये आया था एन सी पी डेल्टा टी, एंड डब्ल्यू क्या है, ये है माइनस सी गैस डेल्टा वी या माइनस पी डेल्टा वी, यही आया ना, तीनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया, नाउ पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी, तो डेल्टा ऑफ पीवी क्या होगा, डेल्टा ऑफ पीवी हो गया डेल्टा ऑफ एनआरटी, अब देखो प्रेशर कांस्टेंट है ना इस वाले पार्ट में, तो प्रेशर को बाहर ले लिया तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं किसी भी प्रोसेस में, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते, टेम्परेचर लेकिन चेंज हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो पी डेल्टा वी जो है उसको हम लिख सकते हैं एनआर डेल्टा टी, तो अगर ऐसा करेंगे तो एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी माइनस
एन आर डेल्टा टी आ गया। अब यहां पर एन से एन कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो सी वी इज इक्वल टू क्या आया, सीपी माइनस आर। ये हम बोल सकते हैं कि सीपी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और सीपी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सीपी और सीवी में रिलेशन है। मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड मोलार हीट कैपेसिटी एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। डेल्टा पी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है ना निर्वेद, इस प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो सीपी और सीवी का रिलेशन ये आ जाता है। वो डिपेंड करेगा वरुण, जनरली 8.314 वाला ही लेंगे, क्योंकि मतलब जो यूनिट सीपी और सीवी का है वो यूनिट आर का लेंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज है, तीनों का यूनिट सेम लेंगे। तो अगर हम आर को 8.314 ले रहे हैं तो ये भी, ये दोनों जूल वाली यूनिट में रहेंगे। ठीक है, और जनरली ये जूल वाली यूनिट में ही होते हैं, इसलिए 8.314 ही मेनली लिया जाता है। क्लियर है सभी को? तनिश, ये थर्ड पेज नहीं है, ये तो बहुत कई पेज हो गया इससे पहले, ये फिफ्थ पेज था। हो गया सबका? नाउ तो देखो, अलग अलग गैसेस के लिए हम अलग अलग सीपी सीवी वगैरह देखेंगे। तो सीवी एक टेबल बनाते हैं, टेबल याद रखना, सीवी सीपी एंड देन गामा होता है सीपी बाय सीवी। ठीक है, गामा ही सीपी बाई सीवी। तो मोनोएटॉमिक गैस का कुछ होगा, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम, नियोन वगैरह। ठीक है, दीज आर मोनोएटॉमिक। तो उनके लिए सीवी जो है वो होता है 3/2R। अगर सीवी 3/2R है तो सीपी क्या होगा बताओ? सीपी होता है सीवी प्लस आर ना, सीपी क्या है? सीवी प्लस आर है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2R। ओके, तो सीवी सीपी बाय सीवी क्या होगा, गामा क्या हो जाएगा मोनोएटॉमिक के लिए, ये हो जाएगा 5/3। क्लियर है सभी को? तो मोनोएटॉमिक गैस का सीवी सीपी और गामा ये रहता है। व्हाट अबाउट डायएटॉमिक गैस? तो डायएटॉमिक गैस जो है जैसे O2, N2 एटसेट्रा, तो डायएटॉमिक गैस जो है
उसका सीवी होता है 5/2 R, डायटोमिक गैस का सीवी क्या होता है 5/2 R, तो सीपी क्या होगा 5/2 R + R, मतलब 7/2 R, तो गामा क्या हुआ, गामा हो गया 7/5, ओके। ऑब्वियसली वैल्यू अगर तुम देखोगे तो it is 1.4, ओके। अच्छा नाउ पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक मतलब दो से ज्यादा एटम जिसमें, जैसे NH3, CH4, O3, एटसेट्रा, ठीक है। तो इनका CV जो है वो होता है 3R, तो CV 3R है तो CP क्या होगा 3R + R, दैट इज 4R, तो गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा 4/3, मतलब 1.3, ओके। तो ये हमें याद रखना है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस जो हैं, इनका सीपी, सीवी एंड गामा याद रखना है। हो गया सबका, ठीक है। यहाँ पर एक और फंक्शन लेंगे, दैट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंथैल्पी जो है ये यू प्लस सी, एच जो है वो क्या होता है यू प्लस पी वी होता है, ठीक है। देखते हैं आ रही आवाज अभी क्लियर, ओके। तो एंथैल्पी जो है उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये होता है यू प्लस सीवी, ओके। याद रखना ये भी स्टेट फंक्शन है। अब देखो डेल्टा ऑफ एच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू प्लस डेल्टा ऑफ सीवी, ठीक है, ये होगा। नाउ गैस के लिए क्या लिख सकते हैं इसको, फॉर गैस डेल्टा ऑफ एस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी का कोई डेफिनेशन नहीं है, ये जैसे एक तरह से हीट का ही फॉर्म है, एंथैल्पी चेंज को हम एक चीज बोल देंगे बाद में। तो डेल्टा ऑफ एस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यूवी प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, अब डेल्टा ऑफ पीवी, अब देखो गैस के लिए पीवी क्या होगा, गैस के लिए पीवी क्या होगा एनआरटी, सो गैस के लिए पीवी को हम लिख देंगे एनआरटी, सो डेल्टा ऑफ एस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू प्लस डेल्टा ऑफ एनआरटी। अब देखो यहां पर प्रोसेस के लिए जब कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं, तो डेल्टा ऑफ एस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू प्लस एनआर डेल्टा टी, ये हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेल्टा यू,
लैग हो रहा है, निर्वेद स्टेट फंक्शन क्या है बताया ना फर्स्ट लेक्चर में, अभी थोड़ी देर पहले भी हम बता रहे थे स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जस्ट स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो एनआर डेल्टा टी आ गया ये, ठीक है। एंथैल्पी एक फंक्शन है जिसको एच से हम डिफाइन करते हैं। नाउ डेल्टा ऑफ एच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू प्लस एनआर डेल्टा टी। नाउ डेल्टा यू को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बताओ, डेल्टा यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी प्लस हो गया एनआर डेल्टा टी। अब यहां से एन और डेल्टा टी कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया, एन और डेल्टा टी को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आया, ये सीवी प्लस आर आया ना, एंड सीवी प्लस आर इज नथिंग बट सीवी प्लस आर क्या होता है, सीवी प्लस आर होता है सीपी। तो ये क्या आ गया, दिस इज एन सी पी डेल्टा टी, ओके। सो डेल्टा एच जो है ये क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी होता है। तो हमने क्या बताया, कौन सा फंक्शन है ये, स्टेट फंक्शन है ना। डेल्टा एच कौन सा फंक्शन होता है, मतलब ये स्टेट फंक्शन है, जैसे एंथैल्पी सॉरी ये इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन था वैसे ही डेल्टा एच भी स्टेट फंक्शन होता है। तो एक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने एन सी वी डेल्टा टी निकाला ना, हर प्रोसेस में वो यूज कर सकते हैं, सेम वैसे ही डेल्टा एच का हो गया। डेल्टा एच अभी हमने कितना निकाल लिया है, डेल्टा एच हमने निकाल लिया एन सी पी डेल्टा टी। तो हर जगह इसको ये यूज करोगे तुम, जब भी तुम्हें डेल्टा एच निकालना होगा तो क्या लिखोगे, एन सी पी डेल्टा टी लिखोगे। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो एनसीपी डेल्टा टी पहले भी कुछ आया था, आया था क्या एनसीपी डेल्टा टी पहले कुछ आया था, आया था कि नहीं आया था, कहां पर देखा है एनसीपी डेल्टा टी तुमने, आइसोबारिक प्रोसेस में क्यू था ये, आइसोबारिक प्रोसेस का क्यू जो है वो क्या था, एनसीपी डेल्टा टी ही था। ओके तो ये लिखो फिर आगे चलते हैं। लिख लिया सबने, अच्छा एक चीज और देखो, हम तुम्हें क्या बताते थे जब इंटरनल एनर्जी की बात हमने की थी, हम क्या बोलते थे कि हम यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यू का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, याद है क्या, बताया था ही नहीं बताया था, लेकिन डेल्टा यू का निकाल सकते थे। अब देखो अगर हम यू का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे यार, एच का कैसे निकाल सकते हैं, एच का भी नहीं निकाल सकते ना, याद आया, मतलब क्योंकि एच यहां पर क्या यू प्लस पीवी है ना, तो अगर U का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता तो H का कैसे निकाला जा सकता है। ओके तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ H कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट ऑफ डेल्टा H कैन बी डिटरमाइंड। डेल्टा एच का निकाल सकते हो और निकाल भी रहे, देखो नीचे डेल्टा एच क्या आ रहा है, एनसीपी डेल्टा टी आ रहा है ना, तो जैसा यू के साथ था वैसा ही इसके साथ भी है,
यू का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे लेकिन डेल्टा यू निकाल सकते हैं, सेम वैसे ही एच का वैल्यू नहीं निकाल सकते बट डेल्टा एच निकाल सकते हैं। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तनिष, तो एक प्रोसेस का अगर हमें एंथैल्पी चेंज पता है, डेल्टा एच पता है, तो बाकी प्रोसेस के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। तो इस अभी हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा एच निकाल लिया एनसीपी डेल्टा टी, तो बाकी जगह भी हम डेल्टा एच को एनसीपी डेल्टा टी ही निकालेंगे, लेकिन एच नहीं निकाला जा सकता है, डेल्टा एच निकाल रहे हम, एच नहीं निकाल। हो गया सबका? चले आगे। तो डेल्टा एच जो है ये क्या आया, एनसीपी डेल्टा टी, और एनसीपी डेल्टा टी क्या आया था थोड़ी देर पहले, हीट था कि नहीं था, था कि नहीं था, तो कौन सा हीट था, कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला हीट था, ठीक है। तो डेल्टा एच को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। डेल्टा एच को हम क्या लिख सकते हैं, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली डेल्टा यू क्या था, डेल्टा यू था एनसीवी डेल्टा टी, एंड एनसीवी डेल्टा टी क्या आया था, एनसीवी डेल्टा टी अगर याद हो तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट आया था कि नहीं आया था, जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस उसमें हीट क्या था, एनसीवी डेल्टा टी था ना। तो डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यू वी, मतलब कि हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेल्टा यू एंड डेल्टा एच को इस टाइप से भी डिफाइन किया जा सकता है, डेल्टा एच को हम बोल सकते हैं हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा यू को बोल सकते हैं हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो व्हाट इज सीपी, सीपी इज बेसिकली डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी, या फिर QP upon N delta T. Similarly, PV जो है इसको क्या लिख सकते हैं, PV को हम लिख सकते हैं delta U upon N delta T, या फिर QV divided by N delta. ऐसे भी CP और CV को हम लिख सकते हैं। तनेश, डेल्टा एच इज एनसीपी डेल्टा टी, एंड एनसीपी डेल्टा टी क्या था, थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये हीट आया था आइसोबारिक प्रोसेस का, ओके। सो क्यूपी, क्यूपी मतलब प्रेशर कांस्टेंट होने पर हीट, ठीक है। तो डेल्टा एच को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली डेल्टा यू क्या, एनसीपी डेल्टा टी, एंड एनसीपी डेल्टा टी किस में आया था, आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट आया था, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट आया था। तो डेल्टा यू को लिखा जा सकता है हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। नाउ यहां से सीपी क्या है, यहां से सीपी क्या हो जाएगा, यहां से सीपी हो जाएगा डेल्टा एच बाय एन डेल्टा टी, और यहां से सीवी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बाय एन डेल्टा टी। नाउ डेल्टा एच को वी कैन राइट क्यूपी, तो इसको ऐसे भी लिख दिया, एंड डेल्टा यू को वी कैन राइट क्यूबी, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है इनको लिखने का, मतलब ये तो डेल्टा के फॉर्म में हमने लिखा है, इसको हम मोर प्रिसाइसली ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाय एन डी एच बाय डी टी,
वन बाय एन डी एच बाय डी टी या फिर वन बाय एन डी क्यू बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इस टाइप से सीपी को लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं वन बाई एन डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसका मतलब होता है एट कॉन्स्टेंट वॉट, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है सीवी वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीवी इज इक्वल टू वन बाय एन, डेल्टा के बजाय डी के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो बता रहे हैं, तो वन बाय एन डी यू बाय डी टी, वन बाय एन डी यू बाय डी टी, या फिर अब ये वाले पार्ट से देखो, ये वाले पार्ट से क्या लिखेंगे, तो ये वाले पार्ट से लिखेंगे वन बाय एन डी क्यू बाय डी टी, बट अभी कॉन्स्टेंट क्या है, वन बाय एन डी क्यू बाय डी टी, यहां पर कॉन्स्टेंट क्या है, यहां पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो क्या आ जाएगा इधर V आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड में जो पार्ट है, इसको ऐसे मोर प्रिसाइसली ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये वाला जो पार्ट है राइट साइड वाला पार्ट, ये इनफाइनेटली स्मॉल चेंज के लिए है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इनफाइनेटली स्मॉल चेंज के लिए, एंड डेल्टा वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादा चेंज के लिए होता है, ठीक है। सो ऐसे भी इसको लिखा जा, यस वरुण बिल्कुल, क्यूपी और क्यूवी में ऑब्वियसली रिलेशन निकाल ही सकते हो, क्योंकि क्यूपी इज एनसीपी डेल्टा टी, क्यूवी इज एनसीवी डेल्टा टी, तो दोनों में रिलेशन एनआर डेल्टा टी वाला होगा, क्यूपी और क्यूवी में जो डिफरेंस रहेगा वो एनआर डेल्टा टी आएगा। यस, क्यू जो है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर एनसीपी डेल्टा टी है विवान, एंड क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज एनसीवी डेल्टा टी, ओके, सो क्यूपी माइनस क्यूवी इज नॉट जीरो, वो एनआर डेल्टा टी आए। हो गया सबका, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम में फर्स्ट लो आएगा, एग्जाम में फर्स्ट लो वाला, फर्स्ट लो मतलब अभी जो करा है ना, फर्स्ट लो के अंडर ही आ रहा है, ठीक है, तो दो प्रोसेस करा दिए, दो और प्रोसेस हम कराएंगे, तो वो सब आएगा, मतलब जब तक हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट नहीं कर देंगे तब तक जो भी पार्ट है सब आएगा। तो क्वेश्चन लिखो, वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस is heated from 25 degree to 100 degree, calculate delta U and delta H इन कैलोरी यूनिट, ठीक है। वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री टू 100 डिग्री, कैलकुलेट डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इन कैलोरी यूनिट। हाँ तनिष, पोर्शन हो जाएगा, टेंशन ना लो।
अब वो मुझे नहीं पता, तनी सुन देख लेना वो टाइम टेबल क्या आता है उसके हिसाब से, बाकी हमारा पोर्शन हो जाएगा। यस विवान करेक्ट है। सिद्धार्थ करेक्ट है। तनिष वैल्यू कैलरी में निकालनी है। श्रुति करेक्ट है। वरुण करेक्ट है। प्रीत करेक्ट है। तनिष मैंने स्टार्टिंग पार्ट में कुछ कैलकुलेशन कन्वर्जन का नहीं बताया, कैलरी कन्वर्जन का नहीं बताया। आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा यूनिट, तो यूनिट हमें कैलरी में चाहिए तो आर का कैलरी वाला यूनिट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो काफी लोगों का आया आंसर। तो देखो डेल्टा यू जो है वो क्या है, इट इज एन सी वी डेल्टा टी। नाउ एन इज वन, सी वी कितना है मोनोएटॉमिक गैस है तो 3/2 आर इंटू डेल्टा टी कितना है 25 डिग्री से 100 डिग्री जा रहा है, तो ये हो गया 75। ठीक है, नाउ 1 × 3/2 इंटू आर क्या है, देखो कैलरी में आर की वैल्यू क्या होती है याद हो तो, कैलरी में आर की वैल्यू होती है 2 × 75, तो कितना आ गया ये, दिस इज 225 कैलोरी।
ठीक है। सिमिलरली डेल्टा एच क्या होगा, इट इज एन सीपी डेल्टा टी। एन कितना है, एन इज वन, सीपी क्या है, मोनोटोमिक के लिए 5/2 R इंटू डेल्टा टी 75। तो 1 इंटू 5/2 इंटू आर की वैल्यू 2 लेंगे कैलोरी के लिए इंटू 75, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया, दिस इज 375 कैलोरी। ओके तो R की वैल्यू 2 होती है कैलोरी में, ये हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, गैस स्टेट में ही बता दिया था। हो गया सबका, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस हम ले रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है इसमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है तो टी कॉन्स्टेंट है, एंड अगर टी कॉन्स्टेंट है तो ऑब्वियसली पीवी भी कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। एक तरह से बॉयल्स लॉ वाला पार्ट हो गया। तो P1V1 is equal to क्या आएगा, P2V2 आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1V1 equal to P2V2 होगा, तो ये प्रोसेस इक्वेशन हो जाएगा। ओके नाउ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब डेल्टा टी जीरो है, अगर डेल्टा टी जीरो है तो यार डेल्टा यू एंड डेल्टा एच जीरो होगा कि नहीं होगा बताओ। व्हाट इज डेल्टा यू, इट इज एनसीवी डेल्टा टी, है कि नहीं। तो डेल्टा टी अगर जीरो है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू जीरो हो गया। इसके अलावा डेल्टा एच क्या होता है, इट इज एनसीपी डेल्टा टी, है कि नहीं। तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है। ओके सो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है, इसलिए डेल्टा यू एंड डेल्टा एच दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। हो गया सबका,
नाउ सो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दोनों क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू ना, एंड डेल्टा यू जीरो है तो Q इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, माइनस W आएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस W। ओके, नाउ अगर हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो W क्या होगा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W क्या होता है, याद हो तो, माइनस ऑफ P गैस dV, याद है क्या। अब यहां पर प्रेशर जो है कांस्टेंट नहीं है, क्यों प्रेशर कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना तो वॉल्यूम चेंज अगर करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा, तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं, तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एनआरटी बाय V, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वैसे डेरिवेशन हम लास्ट लेक्चर में करा चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dV। अब हमें पता है कि इसमें nRT जो है कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, n और r तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ nRT जो है उसको हम बाहर ले सकते हैं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dV बाय V हो गया, लिमिट V1 से V2 लगा दिया, तो W क्या आ गया, W is माइनस एन आर टी वन बाय वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन वी हो जाएगा। ओके, सो एल एन ऑफ वी टू बाय, या फिर एल एन के बजाय अगर लॉग लिखना है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इट इज माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाय, तो ये हमारे पास आ जाएगा W। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का ये होगा वर्क डन, रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होगा, ये वर्क डन होगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में W का फॉर्मूला ये रहेगा। यस तनिष, याद रखने फॉर्मूले, तुम इसको डिराइव भी कर सकते हैं एग्जाम टाइम में, लेकिन डिराइव करोगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए याद रखने। सिद्धार्थ, प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं ना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ये होगा, इरिवर्सिबल में क्या होगा वो भी बताएंगे। हाँ, तो इसके पहले वाले में आया ही नहीं था ना यार, इसके पहले वाले में हमने उसकी बात ही नहीं की थी, क्योंकि एक में तो वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा था, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था तो वर्क तो वैसे ही जीरो आ गया, और सेकंड वाले प्रोसेस में जो प्रेशर गैस का वो कांस्टेंट था, तो वहां पर भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, अभी लेने की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डब्ल्यू ये हो गया, नाउ इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा, तो इरिवर्सिबल में W क्या लेंगे, याद है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन ये लेंगे। तो इसको हम और डिटेल में क्या लिख सकते हैं, तो और डिटेल में हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल वी टू को क्या लिख सकते हैं, एन आर टी टू बाय पी टू, एंड V1 को लिख सकते हैं एन आर टी वन बाय टी वन, लेकिन हमें पता है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो T2 इक्वल टू क्या लेंगे, T1, या उसको T लिख सकते हैं,
तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एन आर टी बाय पी टू माइनस एन आर टी बाय पी वन, या फिर एन आर टी को बाहर ले लो तो माइनस ऑफ एन आर टी इंटू पी एक्सटर्नल को अंदर ले लो पी एक्सटर्नल बाय पी टू माइनस पी एक्सटर्नल बाय पी वन, ठीक है। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये इरिवर्सिबल जो है उसका वर्क हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल यस इट कैन बी वर्सिबल और रिवर्सिबल, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे दिया। चले क्वेश्चन ले क्या, ठीक है। सो क्वेश्चन लेते हैं। टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड reversibly from 4 liter to 10 liter at 27 degree Celsius. Calculate Q, W, delta U and delta H. From 4 liter to 10 liter. Yes, Siddhar. Lecture 1 o'clock tak hai.
यार log 5 और log 2 की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, बताइए ना हमने। log 5 जो है वो 0.7 होता है, एंड log 2 जो है वो 0.3 होता है, याद रखनी है वैल्यू। मैंने तीन चार वैल्यू बताई थी जो याद रखनी है, log 3 0.48, log 7 0.85, ठीक है, ये सब याद रखना। यस, log 11 भी बताया था हमने, एक्चुअली log 5 नहीं बताया था, log 5 को log 10 से निकाल सकते हो तुम, अगर log 10 पता है, log 11 हमने बताया था 1.04। तो ये चार वैल्यू हमने बताई थी। ठीक है, तो log 5 की वैल्यू याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तनिष गैस स्टेट में बताया है, देख लेना एक बार। हाँ, नाउ करा, तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा यू एंड डेल्टा एक्स तो क्या होंगे, जीरो ही होंगे ना। ठीक है, नाउ व्हाट इज डब्ल्यू, प्रोसेस कैसा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? साफ साफ लिखा हुआ है रिवर्सिबल, ओके, लिखा हुआ है रिवर्सिबल। तो माइनस 2.303 इनटू एन आर टी, एन की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, आर की वैल्यू 25/3 ले लेते हैं, 8.314 होती है जूल में, बट उसको 25/3 ले लेते हैं, इनटू टेम्परेचर इज 300। इसके अलावा log of V2 by V1. So what is V2? It is 10. What is V1? It is 5. Sorry, 4. So V2 by V1 10/4 या 5/2 आ गया। तो क्या हो जाएगा W? तो minus 2.303 को 2.3 ले लिया। इसके अलावा 3 से वो cancel out हुआ उधर, तो ये 50 and ये 5000 आ गया। And log 10/4 को क्या लिख देंगे, 5/2, या फिर log 10 माइनस log 4 कर दो, तो वो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आ जाएगी 0.4। ठीक है, तो ये आंसर जूल में आएगा, कितना हो जाएगा ये, या क्लो जूल में लिखना है तो क्लो जूल में क्या आ जाएगा आंसर, माइनस 2.3 इंटू 5 इंटू 0.4, ये क्लो जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये W आ गया, W आ गया तो डेल्टा U क्या, सॉरी Q भी आ जाएगा ना, व्हाट इज Q, Q क्या होगा, Q इज माइनस ऑफ W। ठीक है, चले आगे, क्लियर सबको ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग के वैल्यू कैसे निकाला रहे, लॉग लिखा है ना यार हमने, तनिष 10/4 इज 5/2, 10/4 इज 5/2, तो लॉग 5 माइनस लॉग 2, लॉग ऑफ 5/2 मतलब लॉग 5 माइनस लॉग 2, तो लॉग 5 इज 0.7 एंड log 2 इज 0.3, तो क्या आएगा वो, जीरो पॉइंट फोर आएगा ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.7 केजी ऑफ नाइट्रोजन गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड फ्रॉम 10 बार टू 2 बार अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस. Calculate Q, W, delta U and delta H.
कराएं क्या? आंसर किसी का आया नहीं अभी तक। तो देखो प्रोसेस कौन सा है? ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? यहां पर साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था जब भी ये वाली टर्म यूज की जाएगी तो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। ओके, तो कौन सा प्रोसेस है ये? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल, अच्छा डेल्टा यू एंड डेल्टा एच तो अभी भी जीरो ही होंगे, क्यों? बिकॉज आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो डेल्टा यू एंड डेल्टा एच तो जीरो हो गए, बट अगर हम बात करेंगे डब्ल्यू की, सो डब्ल्यू क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम तो नहीं दिया लेकिन प्रेशर जरूर दिया है, तो क्या लिख देंगे? एनआरटी अपॉन पी टू माइनस एनआरटी अपॉन पी वन, ठीक है, या फिर जो हमने बाद में फॉर्मूला लिखा था वो यूज कर लो, माइनस ऑफ एनआरटी इंटू पी एक्सटर्नल अपॉन पी टू। जनरली देखो पी एक्सटर्नल पी टू का इक्वल होगा फाइनल प्रेशर के, यहां पर भी वही है, देखो एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? टू बार, और फाइनल प्रेशर भी टू बार है, जनरली यही होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो फाइनल प्रेशर के इक्वल ही रहता है, पी एक्सटर्नल बाय पी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम अब अप्लाई करेंगे, तो माइनस ऑफ एन, व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 0.7 केजी, तो 0.7 केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो ये आ गया एन डिवाइड बाय क्या करेंगे, मोलार मास ऑफ N2, दैट इज 28। ओके, नाइट्रोजन गैस मतलब N2, इसके अलावा R की वैल्यू 25/3, एंड व्हाट इज टेम्परेचर? 300 केल्विन। इसके अलावा ब्रैकेट में क्या आएगा? पी एक्सटर्नल बाय पी टू, व्हाट इज पी एक्सटर्नल? 2, तो 2/2 माइनस पी एक्सटर्नल बाय पी वन, तो 2/10। ओके, तो क्या आएगा ये? W आ गया माइनस ऑफ 25 इंटू 25/3, तो थ्री कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आ गया ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय 5, सो दैट इज माइनस 25 इंटू माइनस 25 इंटू 100 इंटू 4/5, सो W जो है ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट कर दो, ये 2000 हो गया, माइनस 50,000 जूल, या फिर माइनस 50 किलो। ओके, तो माइनस 50 किलो जूल W आ गया, तो क्या होगा? Q हो जाएगा, ऑब्वियसली Q इज नथिंग बट माइनस W, मतलब 50 किलो जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्यू डब्ल्यू वगैरह, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट,
और एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक कर दिया हमने, है ना, पी एक्सटर्नल बाय पी टू, पी एक्सटर्नल बाय पी टू, वॉट इज पी टू, पी टू इज 10, हाँ उल्टा लिख दिया, पी एक्सटर्नल बाय, नहीं नहीं पी टू इज 2 बार ना, बराबर तो लिखा है, पी वन इज 10 बार एंड पी टू इज 2 बार, तो बराबर ही लिखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। चले आगे, लिख लिया सबने, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि इसका सी प्रोसेस क्या होगा? क्या होगा सी प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल? ठीक है, सीटी होगा, बट होगा क्या, हो सी प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल को मैं सीटी लिख सकता हूं, ठीक है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर मोलार हीट कैपेसिटी, बट उसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा मोलार हीट कैपेसिटी होता है क्या है? मोलार हीट कैपेसिटी क्या होता है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ऐसा ही होता है ना। व्हाट इज मोलार हीट कैपेसिटी? इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो सी प्रोसेस क्या होगा आइसोथर्मल में? ये आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा है टेम्परेचर, तो चेंज ही नहीं हो रहा है टेम्परेचर, क्या है कांस्टेंट है, तो हम हीट दे रहे हैं तो भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ जाएगी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, तब जाके शायद टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़े, ओके। या फिर इसको ऐसे देखो कि यार क्यू जो है वो क्या होता है, व्हाट इज क्यू? क्यू ये होता है ना, होता ही नहीं होता, बताओ, ये होता है ना क्यू, ठीक है। सो सी प्रोसेस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। अब हमें पता है यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो क्या है, जीरो है ना। अच्छा क्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू आई रही है प्रोसेस में, क्यू की तो कुछ वैल्यू है इस प्रोसेस की, बट डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी जीरो ना, तो अगर ये जीरो है तो ये पूरी वैल्यू क्या आई, इन्फिनिटी आई कि नहीं आई? समझ आया? सी प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस को हम सी टी लिख सकते हैं, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस या मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ से तुम देख सकते, सॉरी मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। यहाँ से तुम देख सकते हो इन्फिनिटी कैसे है, क्योंकि सी प्रोसेस क्या हो गया, क्यू बाय एन डेल्टा टी हो गया, एंड पता है डेल्टा टी जो है वो जीरो है, तो सी प्रोसेस फिर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं।
तो नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। याद है बाउंड्री बताई थी एडियाबेटिक बाउंड्री, याद आया क्या कुछ? एडियाबेटिक बाउंड्री थी, एडियाबेटिक बाउंड्री में क्या होता था याद आया कुछ? बाउंड्री हमने वहां पर दो टाइप की बताई थी, कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग बाउंड्री को हम डायथर्मिक बाउंड्री बोलते थे और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री को एडियाबेटिक बोलते थे, ठीक है? तो नॉन कंडक्टिंग मतलब हीट के फॉर्म में नॉन कंडक्टिंग, तो एडियाबेटिक बाउंड्री मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ओके? नो हीट ट्रांसफर। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, हम बोल सकते हैं क्यू की वैल्यू रहेगी जीरो। ओके, तो जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे क्यू आएगा जीरो। तो क्यू जीरो है तो डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी यहां पर क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू क्या आएगा? डेल्टा यू आ जाएगा डब्ल्यू के इक्वल। डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा? डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू जो है वो डब्ल्यू के इक्वल होता है। लिख लिया सबने? ठीक है। नाउ ऑब्वियसली डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू एंड डेल्टा यू को हम एनसीवी डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पता है तो W आ सकता है, लेकिन ये इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है? अगर हमें इनिशियल टेम्परेचर पता है उसे फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो अब देखो इसके लिए हम देखेंगे कि प्रोसेस किस टाइप का है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, ठीक है? अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो देखो हमने बताया था डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू, तो डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी एंड डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं बताओ? डब्ल्यू क्या होगा इरिवर्सिबल के लिए? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा, ठीक है? यार इसको हम आगे इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी। ओके, अब तुम्हें क्या दिया गया है उसके हिसाब से हम यहां पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब तुम्हें इनिशियल टेम्परेचर जो है लैग हो रहा है, ठीक है, वेट कर लेते थोड़ा। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। सो एन सी वी डेल्टा टी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। अब तुम्हें इनिशियल टेम्परेचर पता है, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम पता है, तो ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर भी आ जाएगा, ठीक है? आयुष इससे पहले वाले पेज में कुछ ज्यादा नहीं था, जल्दी देखो। ठीक है, तो जैसा हम बता रहे थे कि तुम्हें क्या दिया गया है उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो अब देखो एक तो ये हमारे पास आ गया, या फिर इसी को और आगे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। अच्छा, वी टू को क्या लिखेंगे? वी टू को हम लिख देंगे एन आर टी टू बाय पी टू माइनस एन आर
T1 बाय T1, ठीक है। अगर तुम्हें वॉल्यूम ना देके जस्ट प्रेशर दिए गए, ओके, इनिशियल टेम्परेचर पता है और प्रेशर पता है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला निकाल लगा दो, फाइनल टेम्परेचर वगैरह निकाल। तो क्वेश्चन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पता है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू पता चल जाएगा, इस फॉर्मूले से डेल्टा यू पता चल गया तो डब्ल्यू पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास मान लो जस्ट P1 एंड P2 पता है और T1 पता है और तुम्हें T2 निकालना है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्योंकि जस्ट ये तीनों वैल्यू पता होने पर तुम W नहीं निकाल सकते, तुम्हें W निकालना है और तुम्हें P1, P2 और T1 दिया और ऑब्वियसली P एक्सटर्नल भी दिया, ठीक है, ये चीजें दी है। तो अगर ये चार चीजें दी हैं तो क्या तुम W निकाल सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते, क्योंकि W निकालने के लिए हमें T2 भी पता होना चाहिए, ओके। तो पहले T2 निकालना पड़ेगा इक्वेट करके, एंड देन ऑब्वियसली वर्क पता चल जाएगा। यस, एन भी ऑब्वियसली चाहिए यार, लेकिन एन कैंसिल आउट हो रहा है ना, इधर देखो एन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा ये देखो, हो गया सबका। ओके, सो इस प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q0 होता है, Q0 है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू इक्वल टू Q+W से डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, और डेल्टा यू इक्वल टू W है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनिटली स्मॉल चेंजेस, वहां पर प्रोसेस इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो अच्छा, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो इनफाइनिटली स्मॉल चेंज है तो इसको हम लिख सकते हैं du इज इक्वल टू dw, क्योंकि वहां पर इनफाइनिटली स्मॉल चेंज होता है रिवर्सिबल में, तो du इज इक्वल टू dw आ गया। नाउ व्हाट इज du, du को हम लिख देंगे ncv dt और dw को लिख देंगे -pdv, ठीक है, ये du और dw को लिख दिया हमने। नाउ यहां पर अभी हम क्या करेंगे, p को लिख देंगे -nRT/V। अभी हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, डेरिवेशन कर रहे हैं, प्रोसेस इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये जस्ट डेरिवेशन है। तो p को लिख दिया nRT/V एंड डीवी, अब एन से एन कैंसिल आउट हो गया, इसके अलावा आप क्या करें, dT/T टेम्परेचर वाले पार्ट को एक साथ ले लें, इज इक्वल टू रिवर्सिबल प्रोसेस है यहां पर तनिष, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता था, dW इक्वल टू -pgas dV था ना रिवर्सिबल के लिए, ये P मतलब P गैस है, नाउ dT/T इक्वल टू
एन से एन कैंसिल आउट हो गया, सी लेफ्ट साइड में ले लिया, तो इट इज आर बाय सी वी एंड डी वी बाय वी लिमिट टी वन से टी टू एंड राइट हैंड साइड में वी वन से वी टू। तो वन बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन टी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल एन टी टू बाय टी वन इज इक्वल टू माइनस आर बाय सी वी एंड लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे एल एन वी टू बाय वी वन। लिख लिया, लिखो फटाफट फिर आगे चलते हैं। चले आगे, रोहन क्या सर प्लीज रिप्लाई। अरे यार ये डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू है ना, डेल्टा यू को एनसीवी डेल्टा टी लिख दिया, डब्ल्यू को इरिवर्सिबल के लिए माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिख दिया, ना डेल्टा टी इज टी टू माइनस टी वन, डेल्टा वी इज वी टू माइनस वी वन, v2 by minus v1 को इन टर्म्स ऑफ nRT लिख सकते हैं। अब देखो रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास ये आया, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा ये, तो ln ऑफ t2 by t1 इज इक्वल टू r by cv एंड नेगेटिव साइन को अंदर लेके गए तो v2 by v1 था तो वो क्या हो गया v1 by v2 हो। ठीक है, अब ये याद है ना, ये ln के आगे या log के आगे जो होता है उसको अंदर लेते हैं तो पावर में चला जाता है, याद है कि नहीं है। तो ln of t2 by t1 क्या हो गया, ln of v1 by v2 raised to r by तो अभी दोनों साइड हम देख सकते हैं कि ln के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, दोनों साइड ln ln है तो ln के अंदर वाला पार्ट सेम होना चाहिए, मतलब t2 minus t1 is equal to क्या होना चाहिए v1 by v2 raised to r by cv। Now what is r by cv, तो r by cv क्या होगा, देखो cp minus cv is equal to होता है r, अगर हम इसको डिवाइड बाय r कर दें, इसको डिवाइड बाय सीवी कर दो, इसको डिवाइड बाय सीवी करेंगे तो सीपी बाय सीवी माइनस सीवी बाय सीवी इज इक्वल टू आर बाय सीवी। तो क्या आया, ये सीपी बाय सीवी क्या हो गया, गामा हो गया एंड दैट इज नथिंग बट वन। ठीक है, तो यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं कि आर बाय सीवी जो है वो क्या हो गया, इट इज गामा माइनस वन। ओके, सो आर बाय सीवी इज गामा माइनस वन, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ गया, ये दिस इज t2 by t1 इज इक्वल टू v1 by v2 रेज टू गामा माइनस वन। तो देखो एक रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ रहा है, ये आ रहा है t1 v1 रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू t2 v2 रेज टू गामा माइनस। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए t और v में ये रिलेशन होता है, ये याद रखना है, रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू रेस टू गामा माइनस वन। किसके लिए है ये, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है।
ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आई है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लेके जा सकते हैं, तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वाले हमारे पास आ गया। जानवी देखो हमने क्या किया, ये R by CV जो है ना इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो R by CV क्या होगा वो हमने निकाला है। तो R by CV को हमने इससे निकाला, CP is equal to, sorry, CP minus CV क्या होता है, R होता है ना। अब इस पूरे को CV से डिवाइड कर दिया, तो CP by CV आ गया, इधर CV by CV आ गया, इधर R by CV आ गया, ठीक है। नाउ CP by CV क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, गामा होता है, ओके okay, तो ये गामा हो गया, ये वन हो गया, एंड ये R by CV है, तो R by CV यहां से क्या आ गया, गामा माइनस वन, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया था, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो ये आ गया, एंड देन मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, चले आगे। तो ये हमारे पास P और V का रिलेशन आया। नाउ और डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास ये आ सकता है, तो और क्या फॉर्म है, देखो P और V का फॉर्म भी ले लेते हैं। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होगा रिलेशन, तो T1V1 raised to gamma minus 1 is equal to T2V2 raised to gamma minus 1. Now temperature की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PV by क्या लिख सकते हैं, PV equal to NRT होता है ना, तो temperature की जगह PV by NR लिख सकते हैं। So P1V1 by NR into V1 raised to gamma minus 1 is equal to P2V2 by NR into V2 raised to gamma minus 1. तो यहाँ से NR से NR cancel out हो गया, and V1 का देखो power क्या हो जाएगा, एक जगह 1 power, एक जगह gamma minus 1 power है, तो ये आ जाएगा P1V1 raised to gamma is equal to P2V2 raised to gamma. Okay, so in terms of pressure and volume ये relation आ गया, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हमारे पास ऊपर वाला ये रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये रिलेशन होगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल। इसके अलावा एक और इक्वेशन आ सकती है, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर वाला रिलेशन है। तो टेम्परेचर और प्रेशर वाला रिलेशन याद रखना ये होगा T1 raise to gamma into P1 raised to 1 minus gamma is equal to temperature T2 raised to gamma into P2 raised to 1 minus gamma, ठीक है। ये भी obviously derivation करके आ जाएगा, जैसे हमने मतलब यहाँ पर इसमें क्या करो, इसमें तुम volume वाले को क्या कर दो, volume वाले को क्या लिख दोगे, PV equal to NRT से V क्या हो जाएगा, NRT by P हो जाएगा ना, तो volume वाले में NRT by P करोगे तो ये वाला रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन हमारे पास आ गए एडियाबेटिक रिवर्सिबल, ओके। सो एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए ये वाले तीन एक्सप्रेशन जो हैं, इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन तुम अप्लाई करके इनिशियल और फाइनल कंडीशन में से देख सकते हो। मतलब अगर तुम्हें तीन चीजें पता है, जैसे मान लो तुम्हें P1V1 पता है और P2 पता है, तो V2 निकाल सकते हो, ओके okay? तो तीन चीज पता है तो चौथी चीज तुम निकाल सकते हो। ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल का है, और इरिवर्सिबल का क्या था, इरिवर्सिबल का वो डेल्टा वाला था, थर्ड कैसे आया, थर्ड ऑब्वियसली ये सेकंड वाले से निकाल सकते हो ना, फर्स्ट वाले से भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे, V1 के जगह क्या लिखोगे, NRT1 by P1 लिखोगे, ठीक है, एंड ऐसे ही V2 के जगह लिखोगे, तो फिर ये आ ठीक है, हो गया सबका।
नाउ क्वेश्चन लिखो। टू मोल ऑफ टू मोल ऑफ मोनो एटोमिक आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली and reversibly from 10 liter to 80 liter initial temperature of gas was 47 degrees Celsius Determine Q, W, delta U and delta H. हाँ तो डिस्कनेक्ट हो गया था, सबने किया सॉल्व। सॉल्व किया क्या?
हेलो, आवाज आ रही नहीं आ रही? नोट्स भेज देंगे, बाकी का स्क्रीनशॉट लिया मैंने। तो सॉल्व किया तुमने? हाँ तो देखो, 2 मोल गैस था, एन के वैल्यू 2 थी। नाउ गामा जो है वो क्या होगा? गामा ऑब्वियसली 5/3 हो जाएगा। एंड T1 हमें पता है, T1 कितना है? T1 है 47 डिग्री, मीन्स कितना केल्विन हो गया ये? 320 केल्विन हो गया। T2 नहीं पता है, तो T2 नहीं पता तो W भी निकालने में दिक्कत होगी, बिकॉज W इज डेल्टा U। अच्छा, Q की वैल्यू तो हमें पता है 0 होगी, तो V1 और V2 भी पता है। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 10 लीटर एंड फाइनल था 80 लीटर था। ठीक है, 10 लीटर से 80 लीटर तक गया वो, बट पी एक्सटर्न नहीं पता तो ऑब्वियसली W भी नहीं निकाल सकते। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें T2 निकालना पड़ेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो हम क्या लगा सकते हैं? T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1 लगा सकते हैं ना। नो, यहाँ से T2 क्या आएगा? T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 बाय V2 रेस टू गामा माइनस 1, यही हो जाएगा। तो क्या आएगा ये? T1 इज 320 इंटू V1 बाय V2। V1 कितना है? 10। V2 कितना है? 80 रेस टू गामा माइनस 3, मतलब 5/3 माइनस 1। तो ये क्या आ गया? दिस इज 320 इंटू 1/8 रेस टू 2/3। तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 का क्यूब रूट क्या होता है? 1/2 होता है ना, तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 है ना। 1/8 का क्यूब रूट ले लो पहले, तो क्यूब रूट लेंगे तो 1/2 आ गया, एंड देन उसका स्क्वायर कर दो तो 1/4। सो 1/4 करेंगे तो ये कितना आएगा? दिस इज 80 केल्विन। ओके, तो हमारे पास 80 केल्विन आ गया फाइनल टेम्परेचर। ओके, अब फाइनल टेम्परेचर आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। तो डेल्टा यू क्या आएगा फिर? डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी। तो एन इज 2, सी वी क्या हो जाएगा? 5/2 R इंटू डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो कितना आ गया ये? सॉरी, सी वी इज 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो 3R इंटू माइनस 240 है ना, या माइनस 720 R। ये डेल्टा यू हो जाएगा, एंड यही ऑब्वियसली W भी हो जाएगा, बिकॉज W इज डेल्टा U। तो R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कैलरी में कर दो चलो, तो कैलरी में करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 1500 कैलरी। ये भी ऑब्वियसली माइनस 1500 कैलरी हो जाएगा। अगर हम डेल्टा H निकालेंगे तो डेल्टा H इज एन सी पी डेल्टा T। N इज 2, सी पी इज 5/2 R इंटू डेल्टा टी इज अगेन 80 माइनस 320। तो क्या आ गया ये? दिस इज 5R इंटू माइनस 240। आर की वैल्यू 2 ले लो तो कितना आ जाएगा? माइनस 2400 कैलोरी। क्लियर है सबको? सॉरी, 720 है, तो 720 है तो कितना हो जाएगा वो? 1440। ठीक है,
तो ये इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस आज का लेक्चर यहीं पर हम खत्म करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क है पेज 210। पेज 210 पर क्वेश्चन नंबर 1 से वन टू 17 एंड सब्जेक्ट में है पेज 220 क्वेश्चन नंबर 128। 9 छोड़ देना, 9 बाद में करना। देन 10 to 16 ये वाला होमवर्क है। होमवर्क में पहले सब्जेक्टिव वाला पार्ट करो क्योंकि ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस जो है काफी टफ है। ट्राई दोनों को करना बट पहले सब्जेक्टिव वाला पार्ट सॉल्व करना। थर्मो के टेस्ट में नेक्स्ट लेक्चर तक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम कराएंगे वहां तक जो भी आए करोगे उतना रहेगा, ठीक है। तो पहले सब्जेक्टिव वाला पार्ट सॉल्व करना इसका एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला, क्योंकि सब्जेक्टिव स्लाइटली इजी है, ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन जो है बहुत टफ है। आ रो होमवर्क तू मत करना, तुझे कौन दे रहा है, तू मत कर होमवर्क मत दो। तो बिना होमवर्क के तू आईआईटी क्लियर करेगा क्या? सर मुझे आईआईटी में जाना है, बताओ कैसे जाऊं? तो आईआईटी में ऐसा कर, एक ऑटो पकड़, उसे बोल कि आईआईटी जाना है, वो तुझे लेके जाएगा और आईआईटी के गेट पे छोड़ देगा, बस वही हो गया तेरा आईआईटी। ठीक है, होमवर्क तो तू करेगा नहीं, सर होमवर्क मत दो। तो होमवर्क के बगैर तो आईआईटी तेरा हो जाएगा ना। तो लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे, पहले सब्जेक्टिव वाला पार्ट अटेम्प्ट करना उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। चलो लेक्चर एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा।